रमजान इबादत का महीना कहा जाता है। इस दिन सभी मुस्लिम भाई मस्जिद जाकर ईद का नमाज पढ़ते हैं। नागपुर के सीताबर्डी स्थित उमर फारूक आजम मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उसके बाद सेवई के एक दूसरे को खिलाकर हर्षोल्लास के साथ रमजान का त्यौहार मनाया गया। ईदी के तौर पर कुछ मुस्लिम बांधव ने मौलाना जी को उपहार भेंट कर ईद की मुबारकबाद दी और छोटे बच्चों को ईदी भी दी। रमजान के 30 रोजे हम हर साल रखते हैं। ये एक पाक महीना होता है और इसका जो साल में 12 महीने होते हैं उसको सबसे अफजल, सबसे पवित्र महीना रमज़ान का माना जाता है। और रोजे जो रखे जाते हैं उसका मेन जो एम होता है, मकसद होता है, वो ये होता है कि जो गरीब होते हैं वो भूख प्यास को किस तरीके से, अगर उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहा तो अपने आप को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक संदेश है कि आप इंसानियत को सामने रखते हुए भूख को समझे और एक मिसाल एक पेश करें उनके सामने कि एक गरीब अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारता है और उसका सवाब मिलता है। और ईद का जो त्यौहार है वो त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि ये खुशियों का त्यौहार है। इसमें हर भाई से एक दूसरे से गले मिल के जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर किए जाते हैं और मोहब्बत का एक पैगाम समाज में देने का काम ईद करते हैं। इस बार हम कहना चाहेंगे कि हम जो है अपना त्यौहार बड़े इतमान सुकून के साथ में, शांति के साथ में और जो है खुशी के साथ में मनाएं। कोई ऐसा जो है शोर शराबा ना करें, कोई ऐसी जो है माहौल ख़राब ना करें, कोई ऐसा जो है अपना जो है काम ऐसा ना करें जिससे जो है हमारा अल्लाह हमारा रसूल जो है नाराज़ हो। लोगों को जो अच्छा पैगाम दे, अच्छी तरबियत दे और लोगों को जो है जो आदमी ऐसा ज़रूरत उनकी मदद करें, इस तरह जो हम उनको पैगाम देना चाहेंगे।